हेलो दोस्तों, ऋषभ सरप्राइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो कल के दिन आएगी, लेकिन कुछ मुझे काम आ जाने की वजह से वो वीडियो कल मैं रिलीज नहीं कर पाया। तो आज दोस्तों इस वीडियो में आपको तीन चीजें कवर करूंगा। प्रयागराज का हनुमान जन्मोत्सव आपको दिखाऊंगा जिसमें हम पहुंचे अलग अलग एरिया में हनुमान जी के दर्शन करने। उसके बाद सेकेंड डे में हम दिवाली की पूजा कैसे किए, और आपको पहली बार मेरा घर भी देखने को मिलेगा कि मैंने अपने घर को किस तरह डेकोरेट किया, बाहर से भी अंदर से भी। तो अपने घर को मैंने कवर किया है, दिवाली पूजा कवर की है, और कल ये वीडियो नहीं आई तो एक तरह से अच्छा भी हुआ क्योंकि कल हमने गोवर्धन पूजा की अपने घर पे, तो वो गोवर्धन पूजा की भी वीडियो इसमें आएगी। तो टाइम नहीं खराब करते हैं और जल्दी चलते हैं, आपको दिखाते हैं शहर के हनुमान जन्मोत्सव का दृश्य। चलिए दोस्तों। दोस्तों आज है बजरंग बली जी का जन्मोत्सव या हनुमान जी की जयंती, जो दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन शहर के छोटे बड़े सारे हनुमान जी के मंदिरों को भव्य रूप में सजाया जाता है, बेसन के लड्डुओं का विशेष भोग लगाया जाता है, और जिससे देखने के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, उनसे अपना वरदान मांगने आते हैं और उन्हें फल स्वरूप प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू दिए जाते हैं और साथ में फल के रूप में केला भी दिया जाता है। तो इसी अवसर पे दोस्तों हम शहर के विभिन्न क्षेत्रों के छोटे बड़े मंदिरों को कवर करने का प्रयास किया। इसमें हमने बंधुआ हनुमान जी, सिविल लाइन्स हनुमान जी, रामबाग हनुमान जी और त्रिपोलिया हनुमान जी के आसपास के छोटे बड़े मंदिरों को कवर करने का प्रयास किया है। और जहाँ जहाँ हम पहुँचे वहाँ हनुमान जी की एक अमूर्त मूर्ति, एक अमूर्त रूप देखने को हमें मिला। मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं और बंधुआ हनुमान जी में दोस्तों बहुत ही लंबी लाइन और बहुत ही समय हमें लगा वहाँ के दर्शन करने में, लेकिन जब हम बजरंगबली के समक्ष पहुँचे तो ये समय हमें बहुत छोटा और बहुत तुच्छ लगने लगा। तो हमने बजरंगबली का जन्मोत्सव हनुमान जी की जयंती में अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए और आपके लिए प्रयागराज के विभिन्न क्षेत्रों के छोटे बड़े मंदिरों को कवर किया। आप इसका आनंद लीजिए और नीचे अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो नीचे कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली का कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप भी हनुमान जी के भक्त हैं। दोस्तों तो वीडियो देखिएगा लास्ट तक, और इसके आगे कल दीपावली है तो दीपावली भी हमारी इस साल कुछ खास रही तो वो भी हम आपको पूरा दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हनुमान जन्मोत्सव का दिन, लेकिन अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है। आप मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं आपको और भी डिटेल बताने आ गया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो की आगे की जो है हमारी जर्नी, उसमें हम दिवाली पूजा करेंगे और उसके सेकेंड डे में हम की है गोवर्धन पूजा। तो अभी तक आपने अगर धनतेरस का ब्लॉग नहीं देखा है जिसमें हमने शहर में दिखाया था, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। और ये वीडियो लाइक पसंद आ रही है अभी तक, हनुमान जन्मोत्सव पसंद आया तो नीचे कमेंट करिएगा जय श्री राम का, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अभी, हम दिवाली पूजा दिखाते हैं आपको।
का घर और मैंने ही अपने घर को डेकोरेट किया है। देखिए नीली और रेड और वाइट लाइट से ये है बाहर का व्यू मेरे घर का। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और देखिए मैंने एक बल्ब भी लगाया हुआ है, रोटेट हो रहा है चारों तरफ और ऊपर से लेके नीचे तक लटकाया है। ये है हमारे घर का मेन गेट रेड कलर का जो है। मैं अपना घर नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे सब्सक्राइबर आ जाएंगे मेरे घर तो मुझे फिर नया घर ढूंढना पड़ेगा। कैसा लग रहा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मेरा घर कैसा लग रहा है आपको। हम पूरी तरह से तैयार है दिवाली पूजा के लिए और पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। हमारे बड़े भैया है देखे बैठे हुए हैं। हेलो वंशिका। और कुछ ही देर में दिवाली का पूजा स्टार्ट होने वाली है। पंडित जी आ चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए गाइस मैंने सजाया है ये मंडप, कैसा लग रहा है मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइए। सर्वा बाधा सर्व बाधा निवारणार्थम सर्वा अरिष्ट निवारणार्थम अप्राप्त अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम संरक्षणा देव। छुड़ाने के लिए आ चुके हैं और देखिए पीछे मेरे कजिन्स पटाखे फुलझड़ी लगा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊं वीडियो में तो ये देखिए अनार लग चुका है, ये देखिए ये अनार लग चुका है और पीछे फुलझड़ी जल रही है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो मिस मत करिएगा वीडियो को, दीपावली की पूजा हो गई है, अब हम पटाखे छुड़ाएंगे तो वीडियो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए आपको दिखाते हैं और देखिए फुलझड़ी जलाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही है और जल नहीं रहा है मोमबत्ती से, आयुषी जी जला रही है फुलझड़ी और देखिए फुलझड़ी जल चुकी है, आयुषी ने जला लिया है। अब ये अनार छुड़ाने जा रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखिए बहुत बड़ी फुलझड़ी जलाया है इन्होंने और देखिए अब अनार छूटेगा। अनार तो छुड़ाओ यार, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी हनुमान जन्मोत्सव, दिवाली पूजा और गोवर्धन पूजा। आई होप आपको बहुत ही पसंद आई होगा ये ब्लॉग। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। दिवाली की सीरीज हमारी यहीं पे समाप्त होती है बट
चैनल पे ब्लॉग आने समाप्त नहीं होंगे, इसलिए अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, इससे आने वाले अमेजिंग ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे जो ब्लॉग आपको मिलेंगे वो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नई जर्नी में, एक नए ब्लॉग में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों।